कैसा होगा 2035 का रीवा शहर? कलेक्ट्रेट में हुई विकास योजना समिति की पहली बैठक। रीवा विकास योजना 2035 के तहत आज कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी सहित रीवा शहरी क्षेत्र से लगे ग्राम पंचायत सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया। रीवा विकास योजना के तहत 2035 का रीवा कैसा होगा, इसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। समिति की बैठक में आज दावा आपत्ति एवं सुझाव के लिए रीवा शहर से लगे आसपास के गांव के सरपंच व जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। बैठक के दौरान 102 आपत्ति एवं 15 सुझाव दिए गए हैं, जिनमें से बैठक के दौरान ही अधिकांश आपत्ति का निराकरण कराने के लिए बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि रीवा विकास के लिए 2035 का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। इसी विकास योजना के प्रथम प्रकाशन के तहत गठित समिति की आज बैठक बुलाई गई थी। बैठक के संबंध में स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेश शुक्ला ने कहा कि रीवा का विकास निरंतर जारी है, आने वाले समय में और भी इसका रूप देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि रीवा के विकास के एक मिशन के रूप में काम किया जाएगा। ऑल मिशन 2035 में रीवा शहर बड़ी सिटी में शुमार होगा। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। आज जो मास्टर प्लान 2035 के हिसाब से जो रीवा शहर का प्रस्तावित हुआ है, उसका प्रेजेंटेशन था और उसी पे जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स की बैठक में वो सारा प्रेजेंटेशन रखा गया है, जिससे कि रीवा का सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से विकास हो सके, उसके लिए हर शहर का एक प्लानिंग एरिया बनाया जाता है फ्यूचर के डेवलपमेंट को देखते हुए, और फिर उसमें मार्ग कहाँ पे कौन सा रहेगा, कितना वाणिज्यिक रहेगा, कितना आवासीय रहेगा, तो उसी का एक प्रेजेंटेशन था जिसकी आज बैठक थी। आने वाले समय में रीवा के लिए क्या और विकास के लिए आने वाले समय में रीवा में विकास के कई मापदंड तय किए जाएंगे जो आने वाले समय में लोगों को दिखेगा। आपके द्वारा कई रोड वगैरह बनाए गए, फिर भी जाम की स्थिति जो है वो बनी रहती है, इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि जो बाईपास बना, रिंग रोड बना और जो दूसरा रिंग रोड बन रहा है और फ्लाईओवर जो बने हैं उसमें बहुत राहत मिली है लोगों को, लेकिन रीवा की तरक्की, आर्थिक तरक्की बाणसागर के कारण इतनी ज़्यादा हुई है कि वाहन की संख्या बहुत बढ़ी है। ये अच्छे संकेत हैं, क्योंकि 4 लेन की सड़क बना देने के बाद भी, बाईपास रिंग रोड फ्लाईओवर बना देने के बाद भी यदि सड़कों में वाहन दिखते हैं, इसका मतलब कि वाहनों की संख्या बढ़ी है, रीवा समृद्ध हुआ है। भाजपा कार्यालय के समीप भी आपको बहुत शानदार रोड बन रही है, अभी आप जाके देखिए मशीन चल रही है और 30 नवंबर तक छोटी पुल तक जब वो रोड बनके तैयार होगी तो जैसे सिरमौर चौराहा और फ्लाईओवर के बीच में ऐसा लगता है जैसे महानगर है, इंदौर में चल रहे हैं, वैसा उधर भी लगेगा।